सीमा नारायण ने हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम करके अपना करियर बनाया है। वो मुख्य रूप से यह बस्ती बदमाशों के नामक फिल्म में अभिनय करने के लिए जानी जाती है, जो वर्ष 1999 में रिलीज हुई थी। 1971 में पेमा नारायण ने मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। पेमा नारायण का जन्म पश्चिम बंगाल के कलमेगा में हुआ था। वह अभिनेता अनीता आहूजा की भतीजी है। सोवियत में करियर के रूप में शामिल होने से पहले वह कॉन्वेटा स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में काम करती थी। बाद में उन्होंने कई उल्लेखनीय ब्रांडों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1971 में नारायण ने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लिया और उन्हें फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 1971 के खिताब से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित क्वीन ऑफ द पैसिफिक प्रतियोगिता में भाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया, जहाँ उन्हें प्रथम धावक का ताज पहनाया गया। पेमा नारायण को उनके सराहनीय काम और अभियान प्रतिभा के लिए पहचान मिली है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने ज़्यादातर सहायक भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्हें दर्शकों से काफ़ी प्रशंसा मिली है। एक बहुमुखी अभिनेत्री के रूप में पेमा नारायण ने हॉरर शैली की फिल्मों में अभियान किया है, जिनमें होटल साल साल बाद, घबराहट और कई अन्य प्रमुख है। 1976 में पेमा नारायण ने फिल्म अमानुषा में प्रमुख ग्रामीणी सुंदरी कातो के किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। इसका निर्देशन उत्तम कुमार शर्मिला टैगोर ने किया था। पेमा नारायण एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल है, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1955 को कलमेगा भारत में हुआ था। 2024 तक पेमा नारायण 68 वर्ष की है। पेमा नारायण 5 फीट 4 इंच की है।